जब से जायरा वसीम ने एक्टिंग छोड़ने की बात कही है उस समय से ही हंगामा मचा हुआ है। वो एक ऐसा बवाल बन गया है जो थमने का अब नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इस मामले पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी लोगों ने अपना विचार रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि नेशनल अवार्ड विजेता एक्ट्रेस जायरा वसीम ने अपने धर्म को आधार बताकर अपने एक्टिंग छोड़ने के फैसले को वजह बताई थी। अब इसी मामले में अपनी राय रखते हुए यानी जायरा वसीम ने जो फैसला लिया है एक्टिंग छोड़ने का, उस पर अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का भी बयान आया है। जब उनसे जायरा वसीम के मामले में पूछा गया और उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लाम में जिस्म नुमाइश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम के अंदर औरतों को अपने जिस्म की नुमाइश करने की इजाज़त नहीं है या ऐसी चीजों की नुमाइश करने की इजाज़त नहीं जिससे दूसरे नामहरम मर्दों को सेक्स अपील हो। आगे उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस्लाम ही नहीं बल्कि और धर्मों में भी औरतों को अपने जिस्म की नुमाइश करना मना है। वैसे एचटी हसन ने यहाँ पर जायरा का समर्थन किया है और साफ साफ शब्दों में ये कह डाला है कि जिस्म की नुमाइश करना अल्लाह से दूर होना है और ये एक बड़ा गुनाह है। यदि उन्होंने इस गुनाह से बचने का फैसला किया है तो ये सही है। इसके साथ साथ जयप्रदा पर दिए एक विवादित बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में हसन ने फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्रियों की तुलना तवायब से भी कर डाली थी। पूरा मामला ये था कि एक चैनल में बातचीत के दौरान हसन ने कहा था कि जब लोगों के यहाँ मुजरे होते थे उसमें तवायफ आया करती थी, बेमनोरंजन भी किया करती थी। पहले जो सामने होता था अब वो स्क्रीन पर होने लगा है। पहले तवायफ का एक लफ्ज था और अब कलाकार का एक लफ्ज है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि हसन ने एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था। हसन ने जयप्रदा की तुलना तवायफों से करते हुए कहा था कि रामपुर में वैसे तो आजम खान बड़े अंतर से जीते हैं, हालांकि जयप्रदा को भी 4.5 लाख के करीब वोट मिले हैं। फिर आगे उन्होंने अपनी इसी बात का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि उन्हें दुख है कि आज के दौर में भी तवायफों को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। खैर, आप इनके इन्हीं बयानों से इनकी सोच का पता भी आराम से लगा सकते हैं कि इनके दिमाग में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है और ये कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि मंचों पर चढ़कर यही नेता महिलाओं का सम्मान एक ऐसा मुद्दा बनाकर अपना अच्छा खासा वोट बैंक यूं ही तैयार कर लेते हैं। पर अजीब ये लगता है कि नारीवादी का झंडा उठाने वाले लोग भी इनके इन बयानों का विरोध नहीं करते और ना ही विरोध करने सामने आते हैं, जो हर वक्त बस अपने मन के हिसाब से मुद्दों पर राय रख देते हैं, चाहे वो कबीर सिंह मूवी ही क्यों ना हो जिसमें नारीवाद का एजेंडा फैलाना उन लोगों को याद रहा हो। पर ऐसे मुद्दे पर वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं, उनका मौन व्रत हो जाता है। खैर, इस मामले में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कहां कुछ बोले, उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं रखी। जो बस चुनाव के टाइम पर ये बयान देने आ जाते हैं कि बस एक समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो महिलाओं का सम्मान करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। खैर, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि आजम खान ने जब चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान, जयप्रदा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, एक बयान दिया था, तब भी उन्होंने कहा कोई एक्शन लिया था, उनके खिलाफ भी वो कोई एक्शन लेने नहीं सामने आए थे, बल्कि वो और उनकी पत्नी डिंपल यादव इनडायरेक्टली उनके बचाव में ही उतर आए थे। कहना गलत नहीं होगा कि इसी तरीके की बयानबाजी से धीरे धीरे राजनीति का जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा है। खैर, हमारी समझ में तो अब ये नहीं आता कि एक तरफ ये नेता जायरा वसीम के इस फैसले का स्वागत करते हैं, चलो ठीक है इन्होंने फैसले का स्वागत कर भी लिया, पर दूसरी तरफ उन्हें 3 तलाक, किसी व्यक्ति द्वारा 4 पत्नियों का रखना या किसी महिला को जबरन बुर्का पहनाना, इन मुद्दों पर आपको ये नेता कभी स्टैंड लेते हुए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। वैसे आप यहाँ ये भी जान लीजिए कि जायरा वसीम की एक नई मूवी भी आने वाली है। अब लोगों का कहना ये भी है कि शायद उनका ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अब सच क्या है, या तो वो खुद जानती होंगी या तो उनका खुदा जानता होगा कि उन्होंने अपने धर्म के लिए एक्टिंग छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। पर लोगों का क्या करें, वो तो अपनी बात रखने से कभी बाज नहीं आएंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मुंबई बहुत महंगी सिटी है, एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, इसीलिए ये फैसला ले लिया है। अब आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।